हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर वन प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन ऐप पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना लेक्चर था उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, उसकी हमने परिभाषा देख ली थी, उसका एसआई मात्र देख लिया था और हम उसकी विमा कैलकुलेट कर रहे थे और वीडियो पॉज हो गया था, राइट। तो चलो हम क्या करते हैं, एक बार द्विध्रुव आघूर्ण को एक बार थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो बच्चों, अपना जो पॉइंट था वो क्या था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, विद्युत द्विध्रुव के किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बच्चों परिभाषा लिखवा दी थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश होते हैं, सबको पता है, जो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के होते हैं। जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को हम क्या कहते थे, विद्युत द्विध्रुव कहते थे। और वह विद्युत द्विध्रुव कितना प्रबल है, कितना स्ट्रांग है, उसके लिए हम एक भौतिक राशि काम में रहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या है, विद्युत द्विध्रुव के जो दो आवेश हैं उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब सर, वो जो दूरी है ना, यहाँ पर एक विस्थापन के रूप में ली गई है, जो दूरी है ना उसको हमने किसके रूप में लिया, एक विस्थापन के रूप में, और वो उस विस्थापन की दिशा है ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसका मतलब सर, यहाँ पर जो पी है ना, वह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, ये जो हमारा ए वेक्टर है विस्थापन है, उसकी दिशा में ही है, और विस्थापन हमेशा किधर लिया जाएगा, ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसका मतलब इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर हो गई, बच्चों ध्यान रखना, इसकी दिशा हो जाएगी ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। यहां तक क्लियर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा किधर होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर। पिछले वीडियो में यहां तक डिस्कस कर लिया था, उसके बाद में इसका एसआई मात्रक बताया था हमने, एसआई मात्रक अपने क्या किया था, एसआई मात्रक बच्चों पता है ना, सूत्र से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी मात्रक हो आप सूत्र से आराम से कैलकुलेट, सूत्र पता लग गया अपने को कि द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, आवेश इंटू द्विध्रुव का एक आवेश का परिमाण इंटू उन दोनों से आवेशों के बीच की दूरी या विस्थापन। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है, और दूरी या विस्थापन क्या हो गया, मीटर, ठीक है बच्चों। तो ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है, कूलाम इंटू मीटर। आप सीजिस मात्रक भी याद रखें, तो सीजिस मात्रक को हम डीबाई बोलते हैं, जो केमिस्ट्री में लेके चलते हैं डीबाई, ठीक है ना। तो डीबाई भी हम यूज करते हैं, लेकिन अपने फिजिक्स में यहाँ पे ऐसा ही मात्रक ही काम में आएगा। चलो ठीक है, कूलाम इंटू मीटर हो गया। उसके बाद में हम डिस्कस करे थे इसका वीम सूत्र या वीमा, मतलब देखो वीमा कैसे करेंगे हम, यहाँ पे क्यू को तो हम क्या लिखते हैं, ए टी, क्योंकि विमा क्या होती है, आवेश के टी होती है ना, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, धारा इंटू समय, और मल्टीप्लाई में विस्थापन या दूरी क्या हो गया, एल। तो विमा क्या है सर, इसमें द्रव्यमान तो होता नहीं, एम जीरो, लंबाई है एल वन, समय भी है टी वन, धारा भी है ए वन, ये लो एल वन टी वन ए वन, एम की वैल्यू चाहे आप लिखो चाहे मैं लिखो, एम तो वैसे भी जीरो होता है, लेकिन एल टी ए आपको याद रखना है, क्लियर यहां तक। चलो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, उससे पहले एक हल्का सा इसमें न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको कितना समझ में आया। काफी बार हम क्या करते हैं, केवल थ्योरी तक ही लिमिटेड रह जाते हैं और अपने को न्यूमेरिकल्स की जो अप्रोच है ना वो पता नहीं लग पाती कैसे करते हैं। सदिशों की एक ही चीज है बस, अगर आपको दो सदिश दिए हुए हैं तो उनका परिणाम ही कैसे ज्ञात करना है, वो आपने सीख लिया तो सदिश बिल्कुल ईजी है आपके लिए।
तो यहां पर हम ये करने वाले हैं, दो विद्युत विद्युत लेंगे और उनको किसी कोण थीटा पे रख देते हैं, और जब थीटा पे रख देते तो वो बोलेगा परिणामी द्विध्रुवागुण कितना आएगा। तो सिंपल सी अप्रोच आपको लगा नहीं है परिणामी के सूत्र से या घटक विधि से, आप या तो घटकों में बांट लो उनको या सीधा आपका परिणामी का सूत्र याद है उससे आप लगाओ। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, मैं तीन बिंदुआवेश ले रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है, तीन बिंदुआवेश मैं यहां पे ले रहा हूं, ये तीन बिंदुआवेश, और इन तीनों बिंदुआवेशों को है ना समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पे रख दिए मैंने। यहां पे आपका रखा हुआ है माइनस क्यू, यहां पर भी माइनस क्यू, और यहां रखा हुआ है प्लस टू क्यू, और इनके नाम है ए बी और सी, ये तीन शीर्ष है और संभव त्रिभुज है, तो भुजा क्या होगी ए ए और ए। तो यहां पे क्या बोला है चित्रानुसार, चित्रानुसार तीन बिंदु आवेश, चित्रानुसार तीन बिंदु आवेश, तीन बिंदु आवेश, एक संभव त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के तीन शीर्षों पर, के तीनों शीर्षों पर रखे हैं तो निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जो करो देख कैसे करेंगे, सिंपल सी अप्रोच लगानी है अपने को, सर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण तब ज्ञात करें, पहले पता तो कर लेंगे द्विध्रुव यहां पे है कितने, कितने द्विध्रुव बन रहे हैं, आप पहले इस डायग्राम चेक करो, ये भी माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, द्विध्रुव नहीं बन सकता, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश मिलके ही द्विध्रुव बनाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ दोबारा से। सर यहाँ पर आपने इस तरह से संभव त्रिभुज ले रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे भी माइनस क्यू, दो आवेश माइनस क्यू है, तो अगर हमेशा दो प्लस क्यू मिल जाए तो देखो बच्चों ये प्लस टू क्यू है ना, इसको एक प्लस क्यू आप यहाँ बना लो और एक प्लस क्यू यहाँ बना लो, एक विद्युत द्विध्रुव ये हो गया, एक विद्युत द्विध्रुव ये हो गया, देख लो इसके अलावा कोई विद्युत द्विध्रुव नहीं है। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर एक पी वन आपको इधर मिल गया द्विध्रुव आघूर्ण, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको इधर मिल गया पी टू, ये पी वन ये पी टू, अब दो द्विध्रुव आघूर्ण मिल गए। पी वन तो कितना हो गया बच्चों बताओ, देखिए मैंने यहाँ पे दूरी a, a और a लिखी है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण q और इनके बीच की दूरी क्या है a, सेम टू सेम बताओ देखिए p2 की वैल्यू भी क्या आ रही है, सर दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण q और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई a, इसका मतलब हमारे पास में दो द्विध्रुव आघूर्ण आ गए जो कि किस कोण पे, थीटा कोण पे, और दोनों का परिमाण बराबर देख लो, अगर एक ही दिशा में होते तो जोड़ देते, विपरीत दिशा में होते तो घटा देते, लेकिन ये ना तो एक ही दिशा में ना विपरीत दिशा में है, फिर क्या तरीका लगाते हैं सर इनके बीच कोण पता लग जाए, तो हम घटक विधि से कर सकते हैं या डायरेक्ट परिमाण का सूत्र लगा सकते हैं। बच्चों ये संभव त्रिभुज है और संभव त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना होगा 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 डिग्री होता है, तो मुझे बताओ शीर्ष अभिमुख कोण ये भी 60 डिग्री होगा नहीं होगा, बिल्कुल सर शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर। अब आपके पास में दो सदिशों के बीच कोण थीटा मिल गया, तो संभव त्रिभुज पढ़ा होगा आपने सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम, उसमें हम क्या करते थे दो सदिशों का परिणामी कैलकुलेट करते थे, तो यहां पर हमारे पास में परिणामी कितना आ जाएगा, यहां हमारे पास में परिणामी आ जाएगा अंडर रूट पी वन का स्क्वायर प्लस पी टू का स्क्वायर प्लस टू पी वन पी टू कोस थीटा, याद आ रहा है फॉर्मूला, बिल्कुल सर ये फॉर्मूला था वहां पे, पी वन स्क्वायर भी पी स्क्वायर है, पी टू स्क्वायर भी पी स्क्वायर है, टू पी वन पी टू ये भी आपका पी इंटू पी पी स्क्वायर हो गया, और कोस 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों एक बटे दो,
एक बटे दो, तो ये तो कितना हो गया यहाँ पे टू पी स्क्वायर, और प्लस एक बटा दो से आप दो कटा दो कितना हो जाएगा यहाँ पर भी पी स्क्वायर। क्लियर है, वैल्यू पुट कर लेना आप आराम से, को साठ का मान कितना होता है एक बटा दो, एक बटा दो से दो कट जाएगा, पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर टोटल कितना हो गया थ्री पी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर बच्चों कितना आ गया थ्री पी स्क्वायर, तो इसको बाहर करो, देखिए अंडर रूट थ्री तो अंदर ही जाएगा और पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अपना कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ गया अंडर रूट थ्री पी, पी यहाँ पे है क्या क्यू इंटू ए, तो अपना जो फाइनल आंसर है सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो क्या है सर, जो टोटल पी आएगा वो आएगा अंडर रूट थ्री क्यू इंटू ए, ये लो सा परिणामी, ये परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, सिंपल सी चीज है, थोड़ी सी अप्रोच लगानी है अपने को, है ना, अंडर रूट थ्री पी, पी का मान क्या है दोनों में से कोई सा एक पी ले लो ना, सबको पी माना है मैंने, ये भी पी माना, ये भी पी माना है मैंने, पी वन और पी टू को मैंने पी कंसीडर कर लिया क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो क्यू इंटू ए क्यू इंटू ए, तो सर पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर कोस आठ का मान एक बटा दो, अंडर रूट के अंदर कितना हो गया थ्री पी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में थ्री रह जाएगा, ठीक है। चलो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हल्का सा ये, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। सबसे पहले बेटा हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। हमें इतना पता है कि सर प्रत्येक आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सर प्रत्येक आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बच्चों ये जो विद्युत क्षेत्र होता है हमें दिखाई नहीं देता, बट ये काल्पनिक है, और ये काल्पनिक है तो इसको हम कुछ काल्पनिक रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सर कैसे दर्शाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा ये विद्युत क्षेत्र रेखा किधर किधर जा रही है, तो इसकी सीधी सी अप्रोच है हम क्या करेंगे धनावेश को लाके रख देंगे विद्युत क्षेत्र में, और वो जिधर जिधर जाएगा क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता में धनावेश पे हमेशा बल किधर लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। इसका मतलब हमारे पास अगर मान लो विद्युत क्षेत्र है, अब उसकी दिशा किधर है उसका पता लगाना है तो वहां पे लाके धनावेश को रख दो, धनावेश जिस जिस दिशा में स्वतंत्रपूर्वक गति करेगा, बाध्य नहीं है, कोई उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, जिधर जाना चाहे उधर जाने दो। अब जिधर जिधर जा रहे हैं ना वहाँ डॉट 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 लगाते जाओ आप, ऐसे अलग अलग जगह उसको रखते जाओ और वो आगे चलता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो आपको क्या पता लगेगा सर विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत बल रेखा क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक पथ, काल्पनिक रहेगा बच्चों ध्यान रखना, ऐसा काल्पनिक सतत पथ, सतत और रहेगा, सतत का मतलब ये कभी कभी बीच बीच में से कटेगा या फटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा क्योंकि वह धनावेश लगातार बल का अनुभव करेगा, जंप नहीं करेगा कि यहां बल का अनुभव किया कूद के दूसरी जगह चला गया, नहीं लगातार बल का अनुभव करता रहेगा और अनंत पे जाके बल जीरो होगा। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है सतत काल्पनिक वक्र होती है। तो यहां पर हम इसकी परिभाषा कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा वह काल्पनिक सतत वक्र है, वह काल्पनिक सतत वक्र है जिसके अनुदिश एक परीक्षण धनावेश या नॉर्मल आप धनावेश भी ले सकते हो बच्चों ध्यान रखना ना, परीक्षण तो इसे लेते हैं कि जितना कम मान हो उतना अच्छा है, जिसके अनुदिश एक परीक्षण धनावेश स्वतंत्र रूप से चलने के लिए बाध्य होता है या प्रवर्त होता है, प्रवर्त का मतलब प्रवर्त बोल दो बाध्य बोल दो या अग्रसर बोल दो, ठीक है ना, चलने के लिए उसके ऊपर बाउंडेशन पर चलना ही पड़ेगा तो वो जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से जिधर जाए उधर जाने दो। एक परीक्षण धनावेश स्वतंत्र रूप से चलने के लिए प्रवर्त या बाध्य होता है, विद्युत क्षेत्र का कहलाती है,
विद्युत क्षेत्र का, वैसे तो विद्युत क्षेत्र का हमने यही बोल दिया, विद्युत क्षेत्र काल्पनिक का वह काल्पनिक सतत वक्र है, तो आगे आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यही हमारी परिभाषा हो गई। तो परिभाषा समझ में आ गई क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक सतत वक्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होगा, विद्युत क्षेत्र होगा तभी तो हम बनाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा वह काल्पनिक सतत वक्र है जिसके अनुदिश एक परीक्षण धनावेश या केवल आप धनावेश लिख दो स्वतंत्र रूप से चलने के लिए बाध्य होता है। कैसे पता लगाया तुम, देखो बच्चों, मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे एक आवेश है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र है, अपने को पता है प्रत्येक आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। अगर मैं यहाँ पे किसी धनावेश को लाके रखता हूँ, मुझे पता है कि वो इस दिशा में जाएगा, यहाँ पे बच्चों ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, इधर रखोगे तो वो इस दिशा में आगे जाएगा। तो इसको पूरा मिलाओ ऐसे 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 पूरा मिलाना है, क्योंकि बल जब उस पर लगेगा ना तो लगातार लगता रहेगा। तो ध्यान रखना ये सतत वक्र होती है बच्चों, एक चीज इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कभी भूलना नहीं अपने को, कि यह एक सतत काल्पनिक वक्र होता है, सतत है, कंटिन्यू, उस पर बल लगातार लगता रहेगा। और कहां तक लगेगा, जब तक इस आवेश का विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं हो जाता तब तक उस धनावेश पे बल लगता ही रहेगा। यहां रखोगे तो इधर जाएगा, यहां रखोगे तो इधर जाएगा आपका, ऐसे ऐसे चारों तरफ कहीं भी रख लो, जहां पर भी इधर की तरफ बल लगेगा, इधर की तरफ बल लगेगा। सर यही विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो आज हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुणधर्म है उनको डिस्कस करने वाले, जो एग्जाम में एक या दो गुणधर्म जरूर पूछे जाते हैं, एक या दो गुणधर्म जरूर पूछे जाते हैं। तो चलो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो बच्चों देखो इनके गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म तो अपने ऊपर लिख ही दिया, पहला गुणधर्म क्या होता है, यह है काल्पनिक सतत वक्र होती है, यह काल्पनिक सतत वक्र होती है। ठीक है बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र का क्या होती है, सतत काल्पनिक वक्र होती है। सतत का मतलब लगातार रहेगी, बीच में कटे फटेगी नहीं। कोई पूछे भाई सतत क्यों होती है, क्योंकि धनावेश द्वारा अनुभव किया बल, किया गया बल लगातार लगता रहता है। धनावेश कभी जंप कर करके कूद कूद के बल का अनुभव नहीं करेगा, लगातार बल का अनुभव करेगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक तो है दिखेगी नहीं, वो सतत वक्र होती है। यह आपकी वक्राकार हो सकती है, सीधी रेखाएं हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है। दूसरा पॉइंट, यह कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, यह कभी भी बंद वक्र या लूप बोल दो आप, बंद वक्र या लूप नहीं बनाती, बंद वक्र या लूप का निर्माण नहीं करती, का निर्माण नहीं करती। लूप को हम क्या बोलते हैं, बंद वक्र। लूप क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे वापस आ जाए। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का है, जिस बिंदु से स्टार्ट हुई वापस उस बिंदु पे नहीं आएगी। बच्चों ध्यान रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करेगी, बंद वक्र का निर्माण नहीं करेगी, लूप नहीं बनाती। तीसरा पॉइंट बच्चों, यह सदैव धनावेश या धनावेशित पृष्ठ है, या तो एक धनावेश ले लो छोटा सा कोई, या धनावेशित पृष्ठ ले लो, के लंबवत निकलती है, के लंबवत निकलती है, तथा ऋणावेश या ऋणावेशित पृष्ठ, या तो ऋणावेश बोल दो, या सर हमारे पास में कोई पृष्ठ है, या ऋणावेशित पृष्ठ पर लंबवत समाप्त होती है, पर क्या होती है, समाप्त होती है। क्लियर है, धनावेश के तो लंबवत निकलेगी और ऋणावेश के लंबवत समाप्त होगी। बिल्कुल सिंपल चीज, आइडिया याद रखना है अपने को। इसका डायग्राम बनाते हैं सर कैसे, तो एग्जाम में काफी बार आता है, धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बनाइए।
देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक धनावेश ले रहा हूँ, इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है। हमेशा यह धनावेशित तो पृष्ठ या धनावेश के तो लंबवत निकलती है। एक लाइन आप और बना लो, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है धनावेशित धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए, तो ये क्या है धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसी तरह से आपको ऋणावेश के लिए बनानी है, ऋणावेश पे क्या हो जाएगा लंबवत, ये चीज भी ध्यान रखना बच्चों, लंबवत अभी भी मैंने लिखवाया है लंबवत, लंबवत आकर समाप्त होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी है आपको, यह लंबवत आके क्या हो रही है समाप्त हो रही है, आप खुद देख लो लंबवत लेके आ रहा हूं मैं, ये लंबवत। यहां जो कोण बनेगा ना वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, इसके साथ 90 डिग्री तिरछी नहीं बनानी है आपको। तो ये क्या है ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। इसी तरह से आपको कोई प्रश्न दे दे कि प्रश्न के कारण भी भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओ, देखे तो मैं यहां पे एक प्रश्न ले लेता हूं, ये समतल प्रश्न ले लिया और इस पर मैंने कहा कि धनावेश है, बच्चों ध्यान रखना, इस पर मैंने क्या कहा है, किसी ने कहा कि इस पर धनावेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओ, सिंपल सा भी मैंने कहा पृष्ठ के लंबवत, धनावेश है तो लंबवत निकलेगी, धनावेश है तो पृष्ठ के लंबवत निकलेगी, और अगर ऋणावेश होगा तो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर रहेगी, सिंपल चीज है। बिल्कुल सर, हमें ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, गुणधर्म समझ में आ गया, सदैव लंबवत निकलेगी और लंबवत ही समाप्त होगी, ठीक है, चाहे वो पृष्ठ हो चाहे वो आवेश हो, धनावेश से तो निकलेगी ऋणावेश पे समाप्त होगी। चलो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर कितनी हो गई हमारी यहाँ पे, बंद लूप नहीं बना, तीन प्रॉपर्टी हो चुकी है, ये चौथी प्रॉपर्टी है, चौथा गुणधर्म देखो यहाँ पे, गुणधर्म नंबर चार, विद्युत क्षेत्र का के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को या विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, मतलब ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह केवल यह भी लिखा हुआ मिल जाता है विद्युत क्षेत्र, केवल उसका कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही, भाई विद्युत क्षेत्र किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, बस इतना ही ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सर ये क्या लाइन लिखवाई आपने, फॉर एग्जाम्पल बच्चों में डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे मान लो कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस पर आपने यहाँ कोई प्रश्न बिंदु ले लिया P, इसके ऊपर आप जैसे इस प्रश्न का कह चुके ना, तो बच्चों ध्यान रखना ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता रही है, यहाँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिशा को बता रही है, सर विद्युत क्षेत्र का इस दिशा में जा रही थी ऐसे, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे स्पर्श का खींची, इधर आप स्पर्श का खींचोगे तो दिशा इधर आएगी E1, इधर बोल दो आप E2 वेक्टर, ये मान लो आपका Q बिंदु है यहाँ पे, तो इधर से उधर जा रही है, तो आप जहां पर भी बिंदु लोगे ना उस पर बस आपको क्या करना है स्पर्श रेखा खींचनी है, और वो स्पर्श रेखा ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, मतलब धनावेश की दिशा को बताएगी, धनावेश बल किधर लगेगा, सीधी सी बात है सर धनावेश बल इधर लगेगा, लेकिन बाउंडेशन है तो वो ऐसे जाएगा धनावेश, लेकिन उस टाइम वो किधर जाना चाहेगा, उस टाइम वो उधर जाना चाहेगा, उस टाइम वो उधर जाना चाहेगा, कोई भी चीज जिस दिशा में जाना चाहती है ना उस टाइम तो उसी दिशा में, लेकिन उस पर बल लगा रहता है तो बल की वजह से वो घूम जाती है। तो यहां पर अपने ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र का किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ स्पर्श वर्ड नहीं लिखा है ना, खींची गई स्पर्श रेखा, बच्चों ध्यान रखना ये चीज ध्यान रखनी है, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है, ठीक है यहां तक। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर पांच,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। बच्चों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अब एग्जाम में आपसे कारण पूछा था कि क्यों नहीं काटती, तो कारण लिख लो बच्चों यहां पे इसका कारण। यदि वे एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती है जो कि असंभव है। एक ही बिंदु है बच्चों, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र एक ही हो सकता है। वो जो हमारा धनावेश है वो एक समय एक ही जगह बल अनुभव करेगा, दो दो बार तो जगह जाएगा नहीं, कि उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो मान लो हमने कहा कि एक विद्युत क्षेत्र का ये है और एक विद्युत क्षेत्र का ये है, ये रहा बच्चों कटान बिंदु। एक विद्युत क्षेत्र दिशा इधर मिल गई और एक विद्युत क्षेत्र दिशा इधर मिल गई। ये है मान लो E1 और ये है मान लो E2। तो सर या तो धनावेश इधर ही जाएगा या धनावेश इधर ही जाएगा, दोनों में से एक टाइम में एक ही जगह जा सकता है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि सर वो दोनों तरफ भी चला जाएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। अगर काटेगी तो सर वो धनावेश जैसे ही इस कटान बिंदु पे आएगा तो कहेगा भाई मुझे तो इधर भी जाना है इधर भी जाना है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिल गई, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर केवल एक ही परिणामी दिशा हो सकती है, दो दो दिशाएं नहीं हो सकती। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या था, अगर मान लो हम जैसे कि बोर्ड के इस तल में लंबाई के अनुदिश चल रहे हैं, तो लंबाई के अनुदिश अगर विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती है, लंबाई के अनुदिश अगर विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती है तो वह दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण को बताती है। और वो डायग्राम भी हमें याद रखना है सर, प्लस से माइनस पे समाप्त होती है, आपने कहा था यहां से लंबवत निकलेगी, यहां से क्या होगी लंबवत निकलेगी, लेकिन वो क्या हो जाती है बेंड हो जाती है, यहां पर बीच में बेंड होगी लेकिन यहां तो लंबवत ही जाके रुकेगी। बच्चों ध्यान रखना यहां पे जो मैंने डायग्राम बनाया ना ये लंबवत के लिए ही बनाया है, ये यहां जाएगी यहां बिल्कुल बेंड लेकिन यहां लंबवत। इसी तरह से यहां से प्रकाश किरण सॉरी विद्युत बल रेखा गई आपकी और यहां फिर लंबवत जाके समाप्त हो जाएगी, ऐसे यहां से लंबवत निकलेगी और लंबवत समाप्त हो जाएगी, यहां से लंबवत निकलेगी और लंबवत ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे मान लो एक विद्युत बल रेखा यहाँ जा रही है। बच्चों प्रकाश किरण वाला चैप्टर भी चल रहा है इसलिए बार बार वही याद जाता है प्रकाश किरण, है ना। ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो यहाँ से निकल के और अनंत पे जाके यहाँ से आके इस पे वापिस समाप्त हो जाएगी। ऐसे मैंने इधर से एक लाइन और बना ली, ऐसे सिमिलरली हमें एक लाइन और बनानी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए अगर आपसे पूछे कि किन्हीं दो विपरीत आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं बनाइए, तो हमें ये डायग्राम बनाना है सिंपल सा। तो ये विद्युत बल रेखाएं क्या कह रही है कि लंबाई के अंदर सिकुड़ने का प्रयास करिए, ये निकली ऐसे थी लंबवत लेकिन क्या हो गई सिकुड़ गई, इनको जाना कैसे चाहिए था लंबवत अलग अलग, लेकिन एक विपरीत प्रकृति का आवेश उसने इसको क्या कर लिया आकर्षित कर लिया। तो यह है विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं। अगर समान प्रकृति के आवेश हो तो बच्चों देखिए बनाओ कैसे आएगा, सर यहां प्लस इसके कारण प्रतिकर्षित होएगी, इसके कारण प्रतिकर्षित होएगी। धनावेश के कारण हमेशा बाहर निकलती है, ये चली गई और ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच आपको कुछ इस तरह से बनानी है,
सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, बाहर की तरफ दिशा देनी है अपने को, ये बाहर की तरफ दिशा, ठीक है। ये सिंपल सा हम समान प्रकृति के आवेशों के मध्य भी बना सकते हैं। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11 12th IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।